नाजरीन, सऊदी अरब के शहजादा खालिद बिन तलाल का शुमार उनकी बेपनाह दौलत की बिना पर मशहूर शख्सियात में होता है। उनका शहाना लाइफस्टाइल देखने से ताल्लुक रखता है, मगर कई बार अरबों धर्म का मालिक होने के बावजूद कुदरत इंसान को बड़ी आजमाइश में डाल देती है। ऐसी ही बदनसीबी शहजादा खालिद के जवान बेटे शहजादा अल वलीद बिन खालिद तलाल के साथ हुई, जो 2005 में मिलिट्री कॉलेज में तलीम हासिल करने के दौरान एक खौफनाक हादसे का शिकार हो गए थे, जिसके बाद वो कोमे में चले गए। मुसलसल 15 साल कोमे में रहने के बाइस शहजादा अल वलीद को सोया हुआ शहजादे का नाम दिया गया था, जो सऊदी अरब में बहुत मशहूर है। 15 साल से ज़ेर इलाज शहजादा अल वलीद का दुनिया के बेहतरीन मालिक इलाज कर रहे हैं। ताहम 3 अमरीकी डॉक्टर्स और 1 स्पेनी डॉक्टर सर तोड़ कोशिश के बावजूद शहजादा अल वलीद को कोमे की हालत से बाहर लाने में कामयाब नहीं हो सके थे। लेकिन 15 साल से बेहोशी की हालत में पड़े शहजादा अल वलीद के जिस्म में हरकत के आसार पैदा हो चुके हैं। उन्होंने बिल आखिर अपने हाथ की उंगलियों को हरकत दी है। इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो चुकी है, जो उनकी बहन रीमा बिन तलाल ने इंटरनेट पर शेयर की है, जिसमें एक नामालूम खातून की आवाज़ सुनाई देती है, जो शहजादे से कह रही है कि अपनी उंगली ऊपर उठाओ, जिसके जवाब में हैरत अंगेज तौर पर 15 साल से कोमे में पड़े शहजादे ने अपनी उंगली को हरकत देकर ऊपर उठाया। फिर उस खातून ने उन्हें अपनी हथेली को बिस्तर से उठने को कहा और शहजादे ने इसकी बात पर अमल करते हुए वही अमल दोहराया। इस वाकये पर इनके इलाज करने वाले तिबी अमले और ख़ानदान के लोगों ने बहुत खुशी का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की तरफ लौट आएंगे। इनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के चंद ही घंटों के बाद दुनिया भर में वायरल होगी। दुनिया भर के लोगों ने शहजादे की हालत सुधरने के हवाले से अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है।